जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए बहुत से फेलियर से गुजरना पड़ता है, बहुत से रिजेक्शंस को सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाके इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जिस मुकाम के सपने वो खुली आंखों से देखा करता था। कुछ ऐसा ही हुआ जुबिन नोटियाल के साथ। आज से ठीक 10 साल पहले सन 2011 में जुबिन नोटियाल एक्स फैक्टर नामक एक टैलेंट शो में ऑडिशन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद वो उनका दिन नहीं था। वो बहुत ज्यादा नर्वस थे, इस वजह से वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए जिस लेवल की उनसे उम्मीद थी, और इसी वजह से सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरी तरफ से ना है, लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को पॉजिटिवली लिया, अपनी आवाज पे काम किया, रियाज किया, बहुत मेहनत की, और तब कहीं जाके वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। गाइस, क्या आप भी जुबिन की आवाज को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि हम? कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। वेस्ट इंडीज की टीम ने वनडे सीरीज के 6 के 6 मैच टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराया। साल 1983 इंडियन क्रिकेट का सबसे गोल्डन ईयर माना जाता है, क्योंकि वो साल था जिसमें पहली बार टीम इंडिया ने कपिल देव की कप्तानी में वनडे का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। ये बात इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि इस टीम ने जिस टीम को फाइनल में हराया था वो उस वक्त की सबसे धाकड़, सबसे पावरफुल टीम थी। वो टीम जिसने 1975-1979 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और 1983 के वर्ल्ड कप के फिनाले तक भी पहुंच गई थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वेस्ट इंडीज टीम की, जिसने 1983 के पहले 20 साल तक लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट को डोमिनेट किया था। एक ऐसी टीम जिसमें विव रिचर्ड्स, मेलकम मार्शल और क्लीव लॉयड जैसे खिलाड़ी शामिल थे। ऐसी टीम को हराना कोई छोटी बात नहीं थी, और उस फाइनल मैच की सबसे मजेदार बात यह थी कि टीम इंडिया मात्र 183 रन पे ही ऑल आउट हो गई थी, यानी कि वेस्ट इंडीज जैसी धाकड़ टीम को 60 ओवर में मात्र 183 रन ही बनाने थे। लोगों को लगने लगा था कि वेस्ट इंडीज इस मैच को जीतकर लगातार तीसरा वर्ल्ड कप अपने नाम बड़े आसानी से कर लेगी, लेकिन तब किस्मत ने पलटा खेल, खिलाड़ियों ने दिखाया दम और टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के सारे खिलाड़ियों को 140 रन पे ही ऑल आउट करके वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। लेकिन गाइस, खेल तो अब शुरू होना था, जहां एक और कपिल देव पूरी टीम के साथ और पूरे देश के साथ जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं वेस्ट इंडीज की टीम को तो यह सहन ही नहीं हो रहा था कि कल के चूहे हम शेरों को हरा कैसे गए। तभी वेस्ट इंडीज के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडिया के साथ 6 वनडे और 6 टेस्ट मैच खेलने का प्रस्ताव रखा और इंडियन टीम को चैलेंज किया। उन्होंने ये सोचा कि इंडियन टीम को इंडिया की ही सरजमीन पर हराकर हम ये साबित करेंगे कि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप तुक्के से जीता है। और इसी वजह से वेस्ट इंडीज ने अपने बेस्ट खिलाड़ी इस टूर के लिए भेजे। अब वेस्ट इंडीज की टीम जो सोच कर आई थी वो हुआ भी। वेस्ट इंडीज की टीम ने वनडे सीरीज के 6 के 6 मैच टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराए, जिसमें से कुछ मैच तो टीम इंडिया 150 से ज्यादा रनों से हारी। टेस्ट सीरीज के शुरू के 3 टेस्ट भी टीम इंडिया बुरी तरीके से हार गई। उसके बाद मीडिया पीछे पड़ गई, मीडिया में छपने लगा कि टीम इंडिया तुक्के से वर्ल्ड कप जीती है और असली चैंपियन वेस्ट इंडीज ही है। अब इसके बाद 2 रास्ते थे, या तो टीम इंडिया हार मानकर बैठ जाती या कम बैक करती। बीसीसीआई ने इसके लिए टीम इंडिया की काउंसलिंग शुरू की, हर एक खिलाड़ी की काउंसलिंग की गई और उन्हें यह समझाया गया कि तुम ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप को जीता था। इसमें सबसे पहले गावस्कर को काउंसिल किया गया और उन्हें समझाया गया कि तुम ही वो विनर हो और तुम्हें अब डिफेंडर की जगह अटैकर बन के खेलना है। और हुआ भी कुछ यूं ही, इसके बाद टीम इंडिया ने कमबैक किया और उसके बाद के 3 टेस्ट मैच टीम इंडिया ने बचाए और एक भी मैच वेस्ट इंडीज को जीतने नहीं दिया। और इस टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच को जिस तरह से टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के मुंह से छीन कर ड्रॉ करवाया था वो कमाल का था। आखिरी मैच फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला गया था, जिसमें फिर से एक बार टीम इंडिया पहली पारी में पूरी तरह से फ्लॉप होकर ऑल आउट हो गई थी। लोगों को ये लगने लगा था कि दूसरी पारी में भी टीम इंडिया लंच से पहले पहले ऑल आउट होकर ये मैच गवा देगी, लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा ही। दूसरी पारी के पहले ओवर में कर्टली वोल्च को सुनील गावस्कर ने 4 बाउंड्रियां मारकर अपने इरादे जता दिए थे, और जहां पर लोग सोच रहे थे कि लंच से पहले पहले टीम इंडिया ऑल आउट होकर मैच गवा देगी, वहीं सुनील गावस्कर ने लंच से पहले पहले ही शतक ठोक दिया और उस मैच को इंडिया की तरफ कर दिया और उस मैच को बचाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई।
कर्टली वोल्च अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस मूवमेंट को लिखते हुए कहते हैं कि वो दिन था जब सुनील गावस्कर ने अपना एटीट्यूड चेंज किया था, तभी से इंडियन क्रिकेट चेंज होना शुरू हो गया था। इसमें सीखने लायक बात यह है कि कभी कभी फेलियर्स का सामना करते करते इंसान अपनी शक्तियां भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि उसने अपने दम पर क्या क्या अचीव किया है। इन दैट केस इनकी शक्तियों को याद दिलाने का काम घर पे माता पिता को, स्कूल में टीचर को, कंपनी में एचआर को और बाकी जगह पे काउंसलर को करना होता है, और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। याद रखिए कि फेलियर्स सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उससे घबराने का नहीं। अगर आपकी जिंदगी में फेलियर्स आए तो एक जगह पे शांति से बैठिए और अपने कैलिबर के बारे में और अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोचिए, ताकि आपको हिम्मत आए कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। याद रखो, मैदान में हारा हुआ इंसान तो एक बार फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अपने मन को कभी हारने मत देना। मान लीजिए कि आपको किसी वजह से हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूदना पड़े, या फिर आपके पास पैराशूट है लेकिन वो हवा में खुल ही नहीं रहा। इन दैट केस क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहां गिरे ताकि आपकी जान बच जाए? एटलीस्ट गिरने से तो जान ना जाए। आप में से बहुत सारे लोग पानी को चुनेंगे कि पानी में गिरेंगे तो शायद बच जाएंगे, लेकिन ये गलत है। पानी में गिरना उतना ही खतरनाक है जितना कि कंक्रीट की जमीन पर गिरना, क्योंकि पानी कंक्रीट की जमीन के जैसे कंप्रेस नहीं होता, वहां पर आपके जान जाने का खतरा ज्यादा है। तो चार बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं? सबसे पहले तो घास की जमीन, दूसरा स्नो यानी कि बर्फ की जमीन, तीसरी दलदल की जमीन और चौथा पेड़। अगर आप इन चार जगहों पर गिरते हैं तो शायद आप बच सकते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।